नमस्कार, मैं हूं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। वक्त चले आज की खास खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई हर मौत को इलाज में लापरवाही मानने से किया इनकार, खारिज की मुआवजे की याचिका। चुनावों के बाद बढ़ेगी सियासी गले। कांग्रेस ने जिला प्रमुख की जगह प्रधान को जिताने पर दिया जोर, इसलिए जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस जीती बाजी हार गई। पूर्वी राजस्थान अब भी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मोदी सरकार का किसानों के लिए बड़ा तोहफा। नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद फसलों के नए रेट्स जारी किए। सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए की वृद्धि। चंडीगढ़ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां मुंबई से चंडीगढ़ पहुंची 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 13 लोगों ने किया रेप। जिससे भी मदद मांगी उसने लूटी आग। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारी नुकसान झेल चुकी दिल्ली अब वायरस से उभरती हुई नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से मौत का आंकड़ा सुकून देने वाला सामने आया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के सिर्फ 41 नए मामले सामने आए हैं। बीजेपी सांसद ने की बहुत से मारपीट, मदद के लिए पहुंची रामपा की रूपाली चांदकर। वर्धा के बीजेपी सांसद रामदास तड़स की बहू ने अपने ससुर और ससुराल वालों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। गणेश उत्सव के पंडाल में श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगी एंट्री। मूर्ति लाने और विसर्जन को लेकर बीएमसी की नई गाइडलाइन जारी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 20 वर्षीय युवक का शव एक पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने उसकी मौत की जांच करने की मांग की है। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हुई भारी बारिश ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। औरंगाबाद समेत राज्य के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबा। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में मुंबई में भारी बारिश की आशंका जताई है। एंडिलिया केस में एनआईए की चार्जशीट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एंडिलिया केस में गवाह बन चुके मनसुख हिरेन की हत्या मुंबई पुलिस के बर्खास्त सचिन वजे के इशारे पर सिर्फ 11 मिनट में हुई थी। तो ये थी हमारे आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इसी तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल।